से पहले एक बार जरा रिजवान के पास चलते हैं। रिजवान अहमद, आप देखिए कि ईडी ने अपनी जो रिमांड नोट है, ईडी जब कहती है कुछ भी तो उसके पीछे एक तर्क, उसके पीछे एक सबूत, उसके पीछे दस्तावेज, उसके पीछे बयान होते हैं। और आज के रिमांड नोट में भी ऐसी कई बातें लिखी गई है जिसमें कि साफ साफ उन्होंने बताया है कि वो क्यों चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ाई जाए। अरविंद केजरीवाल जब अपनी वकालत करने आते हैं, जब अपनी बात कहने आते हैं, तो उनके पास कुछ सियासी आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं था। भाई आप जी, अगर जैन वंदे मुकदमा मातरम। मुकदमा लड़ रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं साहब? जी, जैन वंदे मातरम। आपके शो का 2-3 बार का मेरा अनुभव यह है कि अकील खान अपनी बात बोल देते हैं, जब दूसरा बोलता है ये बीच में बोलते हैं, तो इनसे गुजारिश है कि बीच में ना बोलें। घर में ये मैं अकेला एकदम हूं, आप 4 लोग हो। फिर बोले तुम यस बोलूंगा। दिस इज डिबेट। ये कोई जो है ना, किसी घर के अंदर डिस्कशन नहीं है, ना ना ना, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑफिस है। ये दिस इज द पब्लिक डिबेट। चुप आई हैव रहो, एवरी राइट टू डिफेंड माई सुनिए, सेल्फ, एंड इफ आई ऐसा फील है इट इज रंजीत रॉन्ग आई भाई, विल हैव अकील टू डिफाई खान हिम। उनको बोलने देंगे आप तब तो? अकील खान बोलिए, को चुप रिजवान पर बोलने दीजिए ना। करवा आप ऐसे लगातार बोलते बोलता है। रहेंगे, डोंट बी पर्सनल, अगर आप बोलते रहेंगे, डोंट बी आप बोलते पर्सनल, रहेंगे तो कोई कैसे अपनी बात डोंट पूरी बी करेगा? पर्सनल। जी हाँ देखिए रंजीत भाई, आज वाकई बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कोर्ट में। हाँ अभी जो अतीक खान साहब बोल रहे थे कि साहब इतना करोड़ यहाँ गया, इतना करोड़ वहां गया, और मैडम चीफ मिनिस्टर ने भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ के ये बात बोली, तो एक बात तो साबित हो गई, क्लियर साबित हो गई कि शराब घोटाला हुआ, अंडरलाइन फुल स्टॉप, शराब घोटाला हुआ। अब ये इसका मतलब जो 2 साल से ईडी बोल रही है वो सच बोल रही है। अब ये आपके पास ऑप्शन था कि जैसे रेडी अप्रूवर बन गया, 2 साल पहले सिसोदिया भी अप्रूवर बन सकते थे, या 2 साल पहले केजरीवाल को ये बोलना चाहिए था कि यस मैं मानता हूं शराब घोटाला हुआ है, और मैं जांच एजेंसी के साथ आपकी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करेगी। तो जब रेड्डी की मनी ट्रेल इनके हिसाब से मिल गई है, तो मतलब शराब घोटाला हुआ और 2 साल से आप उस पर पर्दा डाले बैठा था। बात खत्म एज अ कमेंटेटर। सर मनी ट्रेल पहली चीज, बताइए सर, कहाँ हुई? बताइए फिर बताइए बताइए, प्लीज बोले तुम, फिर प्लीज बताइए, बोले। प्लीज बताइए। दूसरी बात, मनी ट्रेल कहाँ हुई है? अगर केजरीवाल अपना फोन का एक्सेस जांच एजेंसीज को नहीं देते हैं, तो एज अ लॉयर मैं बता दूं, आर्टिकल में भूल रहा हूं, ये फंडामेंटल राइट में आता है दैट यू आर नॉट सपोज टू गिव एविडेंस अगेंस्ट सेल्फ, यानी आपको ये अधिकार है कि आप अपने खिलाफ कोई सबूत ना दें, लेकिन ये कानूनी बात है। अगर वो मोबाइल नहीं दे रहे हैं तो सामाजिक नजरिए से और राजनीतिक नजरिए से ये माना जाएगा कि उनके मोबाइल में कोई राज छुपे हुए हैं जो वो नहीं दे रहे हैं। देखिए ये तहसीन एवरी जरा राइट तहस है, ये नहीं लॉ इस है, इसका ये इसका लॉ है जवाब कि लेंगे, इसका अगर आप जवाब नहीं लेंगे देना आपसे। चाहते अकील जवाब खान, आप अकील तो खान नहीं आएंगे जरा देंगे, तहसीन के ये पास लॉ चलते है हैं। सर, तहसीन, ये इतनी लॉ है भारत का। इतना इतना बड़ा मसला चल रहा है देश में भाई। अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं, चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, सिर्फ कानूनी मसला नहीं है, ये एक राजनीतिक विषय भी है। और एक राजनीतिक मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी खामोश इसलिए है क्योंकि उसका सिर्फ उसके साथ गठबंधन है, सिर्फ इसलिए कि चुनाव है, इसलिए आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेंगे। जो गलत है वो गलत है, अरविंद केजरीवाल जी जेल में नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये शर्म की बात है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, चुनाव के कुछ दिन पहले उसे उठाया जाता है, और ईडी झूठ पर झूठ बोलता है, और हमें ये बोला जाता है कि ईडी अगर कुछ कहा गया है तो तर्कों के साथ कहा गया है। ईडी का कॉन्विक्शन रेट अच्छा, 0.5% है। अब मैं यानी कि जानता हूँ जो कहा जाएगा अजय 95%। माकन, अजय माकन सर मैं अपनी और बीच में आपकी नहीं पार्टी जाता के हूँ बाकी बातचीत नेता को, बोलते थे क्योंकि पहले, मैं झूठ दिल्ली बोलते से थे। आया हूँ। सर, देखिए ना सर, ऐसा है रंजीत जी, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। अगर आप इंटरप्ट करोगे, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, तो दर्शकों को लगेगा अब मुझे जवाब नहीं आता है, तो मैं आंसर दे दूँ, उसके बाद आप मुझे रोकिए। अगर बीच में रोकना है तो आई विल लीव द शो, नो अच्छा प्रॉब्लम, नहीं, कि और किसी ठीक के है बीच अपनी में बात नहीं रुको, पूरी तो आप करिए, तय करिए कर ना, दीजिए करिए क्या मैं फिर। अपनी बात रखूँ या नहीं रखूँ। नहीं नहीं रखिए थैंक यू रखिए थैंक यू। रखिए। एक ये झूठ बोला जाएगा आपके शो के ऊपर कि ईडी का कॉन्विक्शन रेट 95% है, ये गलत है। ईडी का कॉन्विक्शन रेट 95% है उन केसेस में जो यूपीए के समय फाइल हुए थे, इनके चार्ज में 0.5%।
ईडी के दो कंडीशंस के वजह से पीएमएलए केसेस में बेल नहीं मिला। 12,000 केसेस में 12 की बेल मिला है, वरना आपको बेल नहीं मिलता ईडी के केसेस के अंदर। बेल एक्सेप्शन हो गया है। दो ट्रेन केस है कि आप तब तक गुनेगार हो जब तक आप खुद को आप तब तक गुनेगार जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते, और तो बार बार जो ये कहा जा रहा था केस कोर्ट के सामने सबूत क्यों नहीं रखते, क्योंकि बेल के मामले में कोर्ट केस तो आप नहीं रखते। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल को जिस दिन जो आपकी जो आपकी लोगों आवाज, के आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी मैं आवाज ब्रेक हो रही है जानता तहसीन। हूँ ना तहसीन, हम आपके पास फिर से अरविंद आएंगे, केजरीवाल फिर से को, आएंगे। आपने अरविंद कहा, लेकिन आपने कहा कि ये शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री जेल में है। भाई, लोग ये भी पूछेंगे कि शर्म की बात ये नहीं है क्या कि एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा है? भाई, जेल में होने के बावजूद वो इस्तीफा नहीं दे रहा है, क्या ये कम शर्मसार करने वाली बात है क्या? ये भी एक सवाल है। लोग क्या कह रहे हैं ऐसे सवालों के जवाब में, जरा देखिए आप। कोर्ट में केजरीवाल की दलील को आप कैसे देखते हैं? सवाल नंबर दो हमने पूछा था, लोगों ने बड़ी संख्या में जवाब दिया है, 20,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, और उसमें से 97% कहते हैं कि केजरीवाल थोथी दलील दे रहे हैं, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं, थोथी दलील दे रहे हैं। 97% लोग मानते हैं, 1.5% मानते हैं कि केजरीवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 1.5% हैं, और इसी के आसपास वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि कुछ हद तक सही है, यानी कि कुछ हद तक सही, आधे आधे सही, आधा आधा सही आधा गलत मानने वाले लोगों की संख्या भी 1.5% से ज्यादा नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि केजरीवाल को लेकर या केजरीवाल की दलील को लेकर लोग क्या सोचते हैं। सवाल नंबर तीन का भी एक बार रुझान ले ही लेते हैं, जरा दिखाएं जरा फटाफट कि क्या लोग बता रहे हैं इस पर। केजरीवाल ईडी के अधिकारियों को मोबाइल का पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल हमने पूछा था, और लोग क्या कह रहे हैं? सबूत छिपा रहे हैं इसलिए नहीं दे रहे पासवर्ड अरविंद केजरीवाल। 95% 96% लोग मानते हैं ऐसा, 2% लोग मानते हैं कि पासवर्ड देना जरूरी नहीं है इसलिए नहीं दे रहे, और कह नहीं सकते वाले लोग भी 2.5% के आसपास हैं। तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सबूत छिपा रहे हैं केजरीवाल, सच छिपा रहे हैं केजरीवाल, इसलिए वो पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। अकील खान, अकील खान जी, अकील खान, लोगों की राय आपके सामने है, क्या कहेंगे आप? अब मैं आपको, मुझे मुझे आप एक मिनट दीजिए पूरा। मैं हूं मैनेजमेंट का इंजीनियर, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैनेजमेंट का इंजीनियर रहा हूं, और मैंने कई सर्वे किए हैं। पॉलिटिकल सर्वे नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो सर्वे होते हैं, बिजनेस सर्वे, वो किए हैं। उसमें ट्रुथ सबसे पहले सब निकल के आता है, जब आपका जो डाटा है ना, कलेक्शन डाटा, वो होना चाहिए उस हिसाब से कि आपको ट्रुथ मिले और आप बिजनेस में फ्लोरिश करें। ये जो स्कैनिंग का आपने कर रखा है सर, इसमें बीजेपी के ट्रोल आदमी और बीजेपी की सोशल मीडिया, ये सब घुसे हुए हैं, ये वही लोग हैं आपको दे रहे हैं। रोक रखा इस तरह है? से जो स्कैन करके करेंगे ना आप, तो ये सर्वे आपका सही नहीं होगा। मैं आई एम वेरी सॉरी टू से रोक दिस रखा है? एंड आई एम टोटली डिसएग्री विद दिस सर्वे। मेरा मेरा ये मानना है कि ये तो एक ऑनगोइंग प्रोग्राम में लोग, हमारे दर्शक क्या सोचते हैं उसका सैंपल है, और उसका 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 रिजल्ट है। आपको किसी ने नहीं रोका, आप भी करिए। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैनेजमेंट का इंजीनियर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। आपने अपना सर्वे ईमानदारी से किया होगा, मगर रिजल्ट जो है ना, स्कैनिंग करवाएंगे आप, तो ये बीजेपी की ट्रोल आर्मी के अलावा, मतलब 90% ट्रोल आर्मी ही करेगी इसको। छोड़िए, इसको स्कैन करके आप आम आदमी पार्टी की ट्रोल आर्मी को भी इसमें लगा दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग हमारे पास जो है ना, सोच रहे हैं, भ्रष्ट भक्त नहीं है सर, जो जी भ्रष्ट भक्त जो है, वो क्या बोलते हैं, वो डकैत जो है ना, देश के डकैत है, उन्होंने जो पैसा देश का खा लिया है, 14 करोड़, 14 लाख करोड़, 160 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ खा के बैठे हुए हैं ना, ये डकैत पहले उनके पास, यही तो बदलना है देश को। 14 लाख करोड़, बदलना यही है ना देश को, बदलना है ना। तभी तो आप बताइए, मोदी जी कुछ भी नहीं बोलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, महिलाओं के लिए बोलते हैं, बेचारी महिला पहलवान जो है उनके घर के पास। क्या आम आदमी पार्टी ने सोच लिया है? क्या आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है कि वो बिना सोचे समझे आरोप लगाएगी, जैसे आप बोल रहे हैं 14 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, 1,60,000 करोड़, मतलब बिना सोचे बोलना है, ये तय करके आप आए। आप ये बताइए, 16 लाख करोड़ पुरानी कैपिटलिस्ट को इन्होंने क्यों दिया? हमारी जनता की पैसा का जो बैंक में जमा था, अरे तो कुछ बोले है, उसका कोई 160 लाख करोड़ इन्होंने वो ले लिया उधार वर्ल्ड बैंक से, विदेशी बैंकों से, वो कौन देगा पैसा? ये पैसा, और 40% जो है लोगों को, सवाल किया जा रहा है उसका जवाब तो आप दे नहीं रहे हो, आप उसका जवाब तो दे नहीं रहे हो, इस बात का जवाब नहीं दे रहे हो कि अरविंद केजरीवाल क्यों पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। भाई अपने फोन का, अगर